जिला के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में 28 अप्रैल को आखिर दो सालों के बाद पीपल मेला एक बार फिर से सजेगा। कोरोना संकट के कारण बीते दो सालों से पीपल मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। अब की बार कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के चलते इसके आयोजन के बारे में फैसला लिया गया है। वहीं पीपल मेले के सांस्कृतिक संध्या में जिला कुल्लू के लोक कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने का मौका भी दिया जाएगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में नगर परिषद के कार्यालय में पीपल मेले के आयोजन को लेकर नगर परिषद के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे, तो वही बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत के द्वारा की गई। बैठक में जहां मेले के आयोजन के बारे में चर्चा की गई, तो वही निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक संध्या में कुल्लू जिला के लोक कलाकारों को प्रस्तुति देने का मौका अब की बार दिया जाएगा। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि सभी सदस्यों की सहमति से यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि कई बार बाहरी राज्यों या जिला में कुल्लू के कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब की बार कुल्लू के कलाकारों को ही लोक संस्कृति प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे नगर परिषद कुल्लू द्वारा जो ये पीपल जातर, पीपल मेला या रायरी जात जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं, ये कोरोना काल के बाद अभी मनाई जा रही है 28, 29, 30 अप्रैल को। तो बैसाख के महीने में शुरुआत होती ही है, जैसे बीच बैसाख में ये 16 बैसाख से शुरू होता है ये मेला, और ये एक हमारे जो है कुल्लू की परंपरा से जुड़ा हुआ मेला है, और पुराने बहुत लंबे अरसे से जैसे दशहरा का इतिहास है वैसे इस मेला का भी इतिहास है। और इस वक्त क्योंकि कोरोना काल से हम उभर चुके हैं, और ऐसे में दो साल के अंतराल में ये मेला मनाया जा रहा है, और मुझे आज सौभाग्य मिला कि यहाँ पे नगर परिषद की बैठक में एक जो है स्पेशल इनवाइटी जो एक विधायक के नाते आने का मौका मिला, तो मुझे खुशी है कि इस बारी नगर पंचायत इस मेले को बड़े ढंग से मना रही है। स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा, और इन्होंने काफ़ी सफाई की अच्छी व्यवस्था करने की बात कही है। उसके साथ में जो है मेरे ख्याल कोरोना काल के बाद जो है बेसिक जो प्राइस है स्टॉल की वो भी वैसी रखी जाएगी पुराने रेट्स पे, क्योंकि कोरोना में लोगों को ये मार पड़ी है। तो ये सारी बातें थी जो एक हुई है, यही लोग इस मेले को मनाएंगे। मैंने इनसे अनुरोध किया कि इसे पर्यटन के साथ जोड़ते हुए कुछ एडवर्टीजमेंट इसकी नेशनल हाईवे पे होनी चाहिए, और ये मेला सफल हो, देवी देवताओं इसमें बड़ी संख्या में शरीक हो, और देवी देवताओं से हम देवता गौरी खासतौर पर जो मूल हमारा ढालपुर का देवता है, तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि ये मेला अच्छी तरह से निभे। और बधाई देना चाहूँगा नगर परिषद कुल्लू को, काका मांझी और हमारे यहाँ पे सारी इनकी जो टीम है, हमारे ईओ साहब हैं, नेगी जी हैं, पूरी इनकी टीम है, सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये मेला इस बारी खुले रूप से मनाया जाएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, ये हम उम्मीद रखते। इस मेले में जो है हम ये एक बहुत बड़ा डिसाइड लिया, एमएलए साहब ने भी बात की कि हमारा जो है लोकल कलाकारों को, वो कलाकार जो बोनाफाइड हमारे ज़िला के होंगे वही जो है इसमें ठीक है। इन्होंने बड़ी अच्छी सजेशन दी, हम मान्य है सभी को, क्योंकि हमारे लोकल कलाकारों को जो बाहर जो है मौका नहीं मिलता है, इसलिए जो है ठीक है हमारे पास बजट बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन बिल्कुल तभी उन्हें तजरी देंगे अच्छे कलाकार जो है बिल्कुल उसमें ले गए। हमारा पूरा जो जैसे बाज़ार लगता है हमारा सारा जो है, चाहे मीना बाज़ार हो चाहे और दूसरा जो है जितने भी बाज़ार हैं वो लगेंगे, चाहे डॉम है, इस ढंग से जो है बहुत हमारा जो मेला जो हम चाहेंगे देवी देवता के आशीर्वाद से, खासकर देव गौरी जो है उसका जो हमारा आशीर्वाद रहेगा। और सबसे बड़ी बात है इस बार एक महाराज का महाराज भी आ रहे हैं इस मेले में, वो अपना उनका हवन पाठ है, वो 3-4 दिन का कार्यक्रम है, या हमारा जो सौभाग्य होगा कि ये 3-4 जो है अप्रैल में जो है वो आ रहे हैं। तो मैं सभी अपने शहरवासियों से अपील करूँगा कि इस महाराज के आने में और इस मेले में आने में सभी को बहुत बहुत बधाई है, और हम चाहेंगे कि जब महाराज आए उनका अच्छी तरह स्वागत हो, और जाति बार भी उनका जो है बिल्कुल आदर सहित हम उन्हें जो है विदाई करें।